अच्छा अभी नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल। दो क्वेश्चंस होंगी, जैसे सिंपल हम साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, उसी तरह हमारे पास अब दो क्वेश्चंस होंगे ना। अब उन दो क्वेश्चंस में मतलब वो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल, मतलब एक्स और वाई उसमें दो वेरिएबल्स आ सकते हैं। और इसी तरह जो दूसरी है हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास ये सिंपल हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। इन लीनियर इक्वेशन कैसे पावर वन वन आ रही है इन टू वेरिएबल एक्स और वाई वेरिएबल। इसी तरह हमारे पास दूसरी इक्वेशन एक और इस तरह हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक, लेकिन कौन सी हमारे पास है ये इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में आ रही है। अब ऐसी क्वेश्चन को हम सोल्व करते आ रहे हैं साइमल्टेनियसली, हम क्या करते हैं एक में से वैल्यू निकालते हैं दूसरे में पुट करते हैं, या दोनों क्वेश्चन को हम इक्वेट करते हैं अगर तो सेम हो इक्वल हो तो। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। जी हाफिज साहब, इसका क्वेश्चन नंबर टू नहीं, क्वेश्चन नंबर वन सर। क्वेश्चन नंबर वन। जी अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन में हमारे पास ये क्वेश्चन है, कहते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन और एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 13। अब ये देखें, अब ये फर्स्ट कह देंगे, इसको सेकंड कह देंगे। फर्स्ट में से आप किसी की भी वैल्यू निकाल लो, वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस एक्स। अगर एक्स की वैल्यू निकालते हो तो 7 माइनस वाई। अब ये देखें, इसने वाई की वैल्यू निकाल ली, वाई की वैल्यू क्या आ गई 7 माइनस एक्स। इसको पुट इन कर दो सेकंड में, पहले में से वैल्यू निकाली दूसरे में पुट कर दो, जहां जहां एक्स आ रहा है, जहां जहां सॉरी वाई आ रहा है। ये देखिए वाई, वाई की जगह हमने 7 माइनस एक्स का होल का स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 13। आगे उसका सिंपल हमने फार्मूला एक्सपेंड किया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, और ये अंदर आप मल्टीप्लाई हो गया एक्स और माइनस माइनस भी प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये बन गया। एक्स स्क्वेयर की फॉर्म हमारे पास आ रही थी ये एक्स स्क्वेयर ये 3x2, 3x2 आ रहे थे, तो वो 3x2 बन गया, 7x और ये 14, 7 और 14 21 हो गया, 49 ये हो गया, और 13 ठीक सर ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है वन है ठीक ही है। कोई नहीं कोई नहीं ना कोई नहीं, एग्जाम्पल कोई मसला नहीं, से वैसे है नहीं। ठीक हो गया ठीक हो गया। ये 13 इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास दो आंसर बनेंगे। जो दो आंसर आएंगे एक्स के, वो हमने एक्स के इसमें पुट कर देने हैं, वहां से वाई के दो आंसर आ जाएंगे। अब इसका हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, मतलब इसमें जस्ट हमने क्या करना है, एक में से वैल्यू निकालनी है दूसरे में पुट कर देनी है। ये आ गया फर्स्ट, अच्छा ये देखें ये आ गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, 2x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6। अब फर्स्ट वाली, फर्स्ट में से y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस और 4 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 2x माइनस 4 y इक्वल टू 2 माइनस 2x माइनस 4। ये अब इसमें पुट कर देंगे जहां जहां y आ रहा है, इस y की जगह हमने पुट कर दिया 2x माइनस 4, इस y की जगह हमने पुट कर दिया 2x माइनस 4 स्क्वेयर। अब उसी तरह 2x का स्क्वेयर 4x स्क्वेयर, 4 का 16 और माइनस 2 ए बी, 2 टू जार 4, 4 4 जार 16x, और ये 4 टू जार 8x स्क्वेयर, 4 4 जार 16x। फिर उसी तरह हमने देखा कि इनको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास एक्स स्क्वेयर कितनी टर्म्स आ रही हैं, एक्स स्क्वेयर के अलावा हमने देखा कि हमारे पास एक्स वाली टर्म्स कितनी है, उनको ऐड अप किया, फिर कांस्टेंट टर्म देखी हमने, सारी टर्म्स हम देखने के बाद हमारे पास एट द एंड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना। यहाँ से माइनस टू, इसमें से सब में से टू कॉमन आ रहा था, हमने माइनस टू कॉमन ले लिया क्योंकि एक्स स्क्वेयर की फर्स्ट टर्म हम पॉजिटिव बनाते हैं, ये बन गया, इधर से बनना था माइनस टू डज नॉट इक्वल टू जीरो और ये वाला पोर्शन इक्वल टू जीरो। अब इधर से आप देखें पेयर्स हमारे पास क्या बनते हैं, सीधे सीधे पेयर यही बन गए,
ग्यारह पांच बार पचपन, ग्यारह और पांच ही पेयर बन के सोलह बन जाएंगे, तो हमारे पास डायरेक्ट इसका आंसर हमारे पास हम इसी तरह लिख सकते हैं एफ एक्स के फाइव एक्स के माइनस अलेवन एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस अलेवन इक्वल टू जीरो. इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स फाइव एक्स रह जाएगा माइनस अलेवन. इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, माइनस वन आ गया, तो इधर बन जाएगा फाइव एक्स माइनस अलेवन, फाइव एक्स माइनस अलेवन और एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू आ जाएगा वन. और इधर से जब लिखेंगे हम दूसरा फाइव एक्स माइनस अलेवन इक्वल टू जीरो, इधर से आ जाएगा हमारे पास एक्स इक्वल टू अलेवन ओवर फाइव. अब ये एक्स का आंसर एक ये आ गया, एक एक्स का आंसर ये आ गया. अब ये एक्स के आंसर हमने पुट करने इस क्वेश्चन में, उधर से वाई के आंसर भी हमने फाइंड आउट करने. वन पुट करेंगे तो एक्स का आंसर इधर, वाई का आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, जब वन पुट करेंगे वाई इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास फोर टू माइनस टू माइनस फोर, तो माइनस टू आ जाएगा. और जब हम अलेवन ओवर फाइव पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी ओवर फाइव, तो ये बन जाएगा टू ओवर फाइव. अब ये हमारे पास चार आंसर आ जाएंगे. जब हमने एक्स का आंसर ये पुट किया, वन पुट किया तो आंसर आया हमारे पास वन पुट किया तो आंसर माइनस टू. जब हमने इलेवन ओवर फाइव पुट किया तो आंसर आया टू ओवर फाइव. ये ऐसे हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट इसका आ जाएगा, इसको वो ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में सॉल्यूशन सेट ये हमारे पास बन जाएगा. जी हाफिज साहब नेक्स्ट इसका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर फोर सर. क्वेश्चन नंबर फोर, ओके. क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव और टू ओवर एक्स प्लस थ्री ओवर वाई इक्वल टू टू. अब इधर से हमारे पास उसी तरह पहले को हमने इसको कह दिया फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में से एक्स या वाई की दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लें, तो वाई की वैल्यू निकाल लिया आपने. वाई की वैल्यू निकालने के बाद उसको इस क्वेश्चन में पुट कर दिया जहां जहां वाई आ रहा, ये वाई की जगह हमने पुट कर दिया फाइव माइनस. अब थ्रू और सबको मल्टीप्लाई कर दिया हमने एक्स और फाइव माइनस एक्स के साथ, इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया फाइव और एक्स और फाइव माइनस एक्स के साथ, इसको भी एक्स फाइव माइनस एक्स के साथ. ये तो फाइव एक्स इसके साथ कैंसिल हो गया, इसके साथ एक्स कैंसिल हो गया, टू इंटू ये रह जाएगा हमारे पास, थ्री इंटू एक्स रह गया और ये हमारे पास पूरी की पूरी टर्म इसके साथ आ गई. मल्टीप्लाई करने के बाद मुख्तसर करने के बाद हमारे पास ये हमारे पास बन गया इधर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के तीन मेथड आपको पता है, तो अगर तो पेयर्स बनते हैं हमारे पास, तो इधर से हमारे पास हम देखते हैं कितना बन गया, दस दो बार बीस, चार और पाँच फोर और फाइव हमारे पास पेयर्स बन गए. दोनों को जमा करेंगे तो नौ आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बीस आएगा. टू एक्स कॉमन आ गया एक्स माइनस टू, माइनस फाइव कॉमन आ गया तो एक्स माइनस टू. इधर से हमारे पास आंसर बन जाएगा एक्स इक्वल टू टू और इधर से आंसर बन जाएगा हमारे पास फाइव ओवर टू. अब ये दो आंसर हमने कहाँ पुट करने हैं, जहाँ पे हमने इधर से वाई की वैल्यू निकाली थी एक्स इक्वल टू टू. ये देखें ये टू आ गया और एक्स इक्वल टू फाइव ओवर टू आ गया. तो अब ये हमने आंसर पुट करने हैं जहां से हमने वाई की वैल्यू निकाली थी इनिशियल में. वाई जब हम रखेंगे एक्स इक्वल टू टू, वाई का आंसर आ गया थ्री. जब हम रखेंगे फाइव बाय टू तो तब उसका आंसर भी फाइव बाय टू. तो इधर से हमारे पास क्या बन गया, ये पेयर्स बन गए. टू रखा तो थ्री आंसर आया, फाइव बाय टू रखा तो फाइव बाय टू ही आंसर आ गया हमारे पास. तो ये सॉल्यूशन सेट इसका बन जाएगा. ये हाफिज साहब क्वेश्चन नंबर है सर सिक्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स,
जी ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ये देखें इसमें से x की या y की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो, इसमें से अब y की वैल्यू निकाल लेगा, ये बन जाएगा 3x, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा 25 माइनस 3x और 4 इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब ये इसकी जगह पुट कर दो, जब इसकी जगह पुट करेंगे ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 बन जाएगा। फिर उसी तरह ही अब ये भी एलसीएम है और ये भी एलसीएम है, इस थ्रू आउट इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम क्या बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये बन गई, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये बन गई जी हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अब इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के आपको पता है पेयर्स बनाना मुश्किल है, 75 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर्स बनाना हमारे पास मुश्किल बन जाएगा। तो पेयर बनाने की जगह आप अगर पेयर्स बन जाते हैं ठीक है, नहीं तो पेयर ना बनाए तो पेयर आप डायरेक्ट वही फार्मूला लगा लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला तो उधर से हमारे पास आंसर आ जाएंगे, ये दो आंसर आ गए। अब ये दो आंसर हमने कहाँ पुट करने हैं, यहाँ यहाँ से हमने उसकी वैल्यू निकाली थी y की, x की वैल्यू थी 25 और 6, तो ये जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये क्या खा रहा है और फुरकान, तो ये वाली वैल्यू हमने 3 आया एक आंसर, 3 जब इसमें पुट करेंगे 25 माइनस 9 ओवर 4, 4 आंसर, और जब हम 25 ओवर 6 पुट करेंगे तो 25 ओवर 8 आंसर आ जाएगा। उनके पेयर्स बनाएंगे, पेयर्स बनाने के बाद हमारे पास उसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। जी आफ साहब नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 7। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास थोड़ी सी स्टेटमेंट उसने ना चेंज कर दिया और, लेकिन वो सेकंड वाली वैसी रही है। इधर से हम फिर उसी तरह वाई का आंसर क्या निकलेगा, 2x माइनस 6, इस वाई की जगह हमने पुट कर देना है 2x माइनस 6, इसका भी स्केयर एक्सपेंड कर लेंगे, इसका भी स्केयर एक्सपेंड करेंगे, स्केयर एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास स्केयर दोनों बन गए, दोनों के स्केयर इसका पहले का ये दूसरे का स्केयर इक्वल टू 5 आ गया, इधर से 4x स्केयर 5x स्केयर बन गया ये हमारे पास, ये माइनस 6x माइनस 24x 30, 9 और 36 45, 5 इधर आके माइनस हो गया, तो ये बन गई हमारे पास क्वेश्चन। अब ये सारे 5 पे डिवाइड हो रहे हैं तो 5 कॉमन आ गया, 5 कॉमन आने के बाद ये हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो इसके पेयर सीधे सीधे बन गए हमारे पास माइनस 2 और 4, जब माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 6 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8 बन जाएगा, तो इधर से आंसर आ गया एक x इक्वल टू 2, एक x इक्वल टू 4, ये पुट कर देंगे जो जहाँ पे हमने x की y की वैल्यू निकाली थी उस y की वैल्यू में पुट करेंगे, तो तब हमारे पास हम 2 पुट करेंगे तो y का आंसर माइनस 2, जब हम 4 पुट करेंगे तो y का आंसर 2, तो उसका एक ऑर्डर पेयर बना के हम लिख देंगे x और y में। जी हाफिज साहब क्वेश्चन नंबर 9 सर, अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 9, अब लास्ट जितनी भी हमने देखी है अभी तक उसमें हमारे पास एक आ रही थी लीनियर इक्वेशन और एक आ रही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 2 वेरिएबल में, अब इधर हमारे पास दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक में आ रही हैं, नंबर 1 भी और नंबर 2 भी, ये देखें नंबर 1 इसको कह दिया, नंबर 2 कह दिया, अब नंबर 1 और नंबर 2
अब क्वेश्चन नंबर वन जो है, अब क्वेश्चन नंबर वन उसको हम तरतीब से लिख लेते हैं। उसमें क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन में, एक मिनट ये देखें, एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वन है ना, वाई प्लस वन का होल का स्केयर है, इसका स्केयर एक्सपेंड कर दो, ये बन जाएगा, ये लिखा हुआ है वाई स्केयर प्लस टू वाई प्लस वन, वन दूसरी तरफ जाके क्या हो गया माइनस, वो 17 बन गया। इसी तरह दूसरी क्वेश्चन को भी हम एक्सपेंड करेंगे, चला गया, अब ये बन गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन, इसका स्केयर एक्सपेंड करें, एक्स का स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस फोर साथ वाई स्केयर आ रहे हैं इक्वल टू 24 21, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये बन जाएगा 7। अब ये देखें एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन हमारे पास ये आ रही है, एक क्वेश्चन हमारे पास आ रही है ये वाली, ये दो क्वेश्चन बन गई, थर्ड और फोर्थ उसका नाम दे दिया हमने। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास सिंपल प्लस कर लो या माइनस कर लो, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर रख ली, सेकेंड क्वेश्चन नीचे, माइनस किया, ये वाली टर्म कैंसिल, ये वाली टर्म कैंसिल, ये वाली टर्म कैंसिल, इधर से क्या रह गया 2y माइनस 4x इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई, इसमें से हम एक का आंसर निकाल के वो किसी में पहले वाले में पुट कर दो या सेकंड वाले में पुट कर दो, ये देखें उसने पुट कर दी 3 में, जहां पे y आ रहा था वहां वहां उसने 2x पुट कर दिया, 2x पुट करने के बाद हमारे पास वो सारी इक्वेशन बन गई x स्क्वायर में। अब इसके पेयर्स नहीं बनते थे, उसने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये जो x का आंसर आया ये हमने पुट करना है इस क्वेश्चन में, जहां पे हमने y की वैल्यू पुट की है, इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो इधर से हमारे पास y के आंसर आ जाएंगे, ये x के आंसर और ये y के, ये y में सिंपल 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना हमने, 2x ही था ना, ये देखें y इक्वल टू 2x, सिंपल 2x के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा। जी आप सब, और है इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 है सर। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी स्टेटमेंट का है, सेम एज इट इज ही करना है, देख लेते हैं हम। नंबर 1 नंबर 2, अब 2x के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अब इन दोनों क्वेश्चन को उसी तरह ही हमने सॉल्व करना है माइनस करके, पहले ये वाली क्वेश्चंस भी हमने बनाई थी, अब ये बनी बनाई है हमारे पास, जब माइनस करेंगे तो ये उसी तरह हमारे पास एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर से, तो इधर से बन गया माइनस फोर एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टू। अब ये देखें इनमें से जब निकालेंगे, 2x निकाल दिया माइनस सिक्स में से, तो माइनस फोर एक्स, ये 2y एज इट इज नीचे और ये 2 आ गया, तो इधर से हमारे पास y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये किसी भी थर्ड में पुट कर दें या इसमें किसी में भी पुट कर दें, ये y की वैल्यू ना इन दो क्वेश्चन में से, तो उनमें जब पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारे पास x की इक्वेशन बन जाएगी, x की इक्वेशन बन गई हमारे पास, x की इक्वेशन बनने के बाद ये बन गया, इधर से x इक्वल टू 0 आ गया और x इक्वल टू माइनस 2। अब x इक्वल टू 0 इसमें पुट करो तो हमारे पास आंसर बनता है 1, एक्स इक्वल टू आप पुट करो माइनस 2 तो आंसर बनता है माइनस 3। ये देखें नेक्स्ट स्टेप है, ये देखें 0 पुट किया था तो आंसर 1 और माइनस 2 पुट किया तो आंसर माइनस 3, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा फाइनल। जी हाफ साहब, और तो इसके कोई क्वेश्चन नहीं, खत्म हो गई एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ही खत्म हो गई है। हाँ जी, नेक्स्ट बिस्मिल्लाह करें फिर, बल्कि कल ही करेंगे इंशाल्लाह इसको।